हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल सखी क्रिएशन में आपको बहुत बहुत स्वागत है। मैं साधना सिंह जो यूपिन का थाल बनाई हूँ, थाल पोस्ट, उसको मैं इस तरीके से हमने बनाया है और ये किस तरीके से बनेगा वो मैं आपको पहले बताऊंगी और इसके बाद इसकी बुनाई और जोड़ना किस तरीके से होगा मैं बताऊंगी। तो दोस्तों, पहले हमें इसके इस टिकिया को तैयार करना है और इसकी ये यूपिन के पट्टी को तैयार करना होगा। जैसा कि हमने पहले बताया था, इस तरीके का टिकिया वो आपने बना लिया होगा। और इसके बाद मैंने इसको बुनना बताया था, जो कि मैंने इसमें इतनी बुनाई कर रखी है। तो इस तरीके के हमें दोस्तों दो पट्टी बनाना होगा, दो अलग कलर में। आप कोई भी दो कलर से इस पट्टी को आसानी से बना सकते हैं। तो बनाने के बाद दोस्तों फिर मैं इसमें जोड़ना बताऊँगी। तब तक से मैं आपको इसका डायग्राम बताऊँगी, ये कितने इसकी लंबाई चौड़ाई है। तो दोस्तों आइए हम इसको नापते हैं। इसकी पूरी लंबाई 19 है, 20 इसकी पूरी 20 इंच है, ये देखिए। और जो कि जो ये हमारा ये गोल गया है ये पट्टी का, मैं उसको आपको नाप के बताऊंगी कि ये पट्टी किस तरीके से बनाया गया है। तो इस पट्टी की लंबाई भी हमें आपको बतानी होगी। तो इस तरीके से हमें इसको नापना है। इसको 15, ये देखिए ये 15 जा रहा है हाफ में, तो इसको 30 इंच बनाना होगा हमें। और इसके बाद जो ये हमारी रेड वाली पट्टी बनी है, जो वाइट है उसको 30 इंच और रेड वाली जो पट्टी है उसको बड़ा बनाना है। आप चाहे तो एक पट्टी में भी इस यूपिन से थालपोस को बना सकती हैं। इसको टेबल मैट, छोटे स्टूल पर भी ये ढकने में आपको काम आएगा और बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो आइए दूसरे वाले पट्टी की हम लंबाई नापते हैं कि वो पट्टी हमें कितने इंच की बनानी होगी। दोस्तों ये 25, ये देखिए हमने नापा है जो इसकी 25, तो इसे 50 इंच की पट्टी दूसरी बनानी होगी। आप किसी भी दो कलर में इसके पट्टी को बना सकते हैं। तो और उसके बाद बनाने के बाद दोस्तों ये हमने क्रोशिया से इसमें जो लेस लगाया है, किनारी बनाया है, क्रोशिया से बनाया है। तब तक से आप इस पट्टी को बनाइए और इसके बाद मैं आपको जोड़ना बताऊंगी। अगर ये मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकन बेल को दबा दें ताकि वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिले और शेयर करना ना भूलें। तो अगले वीडियो में मैं इसको जोड़ना बताऊँगी कि किस तरीके से जोड़ा गया है और बनाया गया है। थैंक यू, धन्यवाद।